हेलो स्टूडेंट्स, राकेश मिश्रा और 12th क्लास की विद्युत रसायन को आगे बढ़ाने नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आइए हमारे साथ विद्युत रसायन में। हम लोग पिछले लगातार विद्युतीय सेल तक आ गए थे। जैसा मैंने बताया था, विद्युतीय सेल दो प्रकार के हैं, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। सेल के जो पार्ट हैं वो बताए थे हमने, कैथोड, एनोड, विद्युत अपघट और एक पात्र। उसकी ट्रिक्स भी हमने आपको बताई थी। कैथोड एनोड जो रहते हैं, एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया, कैथोड पर अपचयन क्रिया, या हम कहें रेड कैट होती है। रेड मतलब रिडक्शन, कैट मतलब कैथोड। तीन ट्रिक्स पढ़ी थी हमने और इन्हीं ट्रिक्स को हम आज उपयोग करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, विद्युत रसायन की सबसे बेसिक चीज पढ़ने आए हैं और बड़े धीमी गति से इसको समझना है अपन को, जब ये समझ में आएगा आपको। विद्युतीय सेल की जानकारी देने में इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड एक छड़ का नाम है, उस छड़ को उसी धातु के लवण मिलियन में डुबाया गया है। इलेक्ट्रोड अकेली छड़ नहीं है, बल्कि जब किसी छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबा देते हैं तो क्या होता है, वो छड़ आवेश जाती है। तब इस पूरे तंत्र को, मतलब वो विलयन, वो पात्र और वो छड़, इस सब को इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिस दो प्रकार के इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड, ये बात तो आप जान चुके हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचय। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या है? देखो, विभव मतलब पोटेंशियल। जैसा हम बता चुके हैं कि आवेश द्वारा किया गया कार्य विभव कहलाता है। यहां पर कौन सा आवेश है? देखिए, जब किसी धातु को अपने लवण विलयन में डुबाया जाता है, कोई धातु है और उसी का लवण विलयन, जैसे जिंक धातु तो जिंक सल्फेट का विलयन, सिल्वर धातु तो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। लवण विलयन का मतलब यह होता है कि वह धातु जो छड़ में है वही आयन में, धनायन के रूप में होना चाहिए। तो जब धातु को अपने लवण विलयन में, अर्थात समान आयन वाले विलयन में डुबाते हैं, तो ऑक्सीकृत होना मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना या आयनों का अपचयन होना, ऑक्सीकृत होना या अपचयित होने की प्रवृत्ति को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन इस बात को और बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ दो उदाहरण दे रहे हैं, जो आपको एग्जांपल दे रहे हैं बोर्ड में, इसको समझिए आप। पहला है, इलेक्ट्रोड विभव को ई से दर्शाते हैं, कैपिटल ई बनाते हैं, और जो विभव का मात्रक है वो इसका मात्रक हुआ, अर्थात वोल्ट। वोल्ट मीटर से इसको माप भी सकते हैं। ये मैंने जिंक की छड़ ली हुई है, इसमें एक तार जोड़ दिया है, ये तार जोड़ दिया, और ये है जिंक सल्फेट का विलयन। हम देखेंगे कि जब हम इस छड़ को यहां पे डिप कर देते हैं, देखिए हमने क्या किया हुआ है, हमने जिंक की छड़ ली, तार का एक टुकड़ा और जिंक सल्फेट भर के और इसमें डुबा दिया, होगा क्या, ये जिंक के परमाणु है किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो दोस्तों, होने वाला ये है कि जिंक के परमाणु जो है ठोस अवस्था से निकल के आ रहे, कहां, विलयन में, मतलब ये ऑक्सीकरण क्रिया। और ये क्या है, ये है छड़ और ये जिंक आयन कहां आ रहे, विलयन में। जिंक के परमाणु छड़ में है, छड़ ठोस अवस्था में है, आयन बाहर निकल के आ रहे, अर्थात ऑक्सीकरण हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन ये छड़ पर रह जाएंगे, पूरी छड़ में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। ये बात क्लियर हुई आपको? और ये जो क्रिया हो रही है, ये मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया क्या है, ऑक्सीकरण। दोस्तों, जब ये इलेक्ट्रॉन छड़ पूरी ऋणात्मक और विलयन पूरा धनात्मक, कैसा होगा, धनात्मक किसके कारण, जिंक आयनों के कारण। दोस्तों एक बात बता दें,
जिंक सल्फेट में दोनों आयन रहते हैं, जिंक जितने जिंक धनायन उतने सल्फेट ऋणायन, लेकिन ये छड़के जिंक आयन एक्स्ट्रा आ गए, इसलिए बिलियन धनात्मक हो गया और छड़ कैसी हो गई ऋणात्मक। हम इसकी बात कर रहे हैं। कापर की छड़ भी हमने कापर सल्फेट में डुबाई है, लेकिन यहां कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि यहां तो हमने उल्टा देखा, कापर सल्फेट के जो कापर आयन है वो छड़ से टकरा रहे हैं और इसको तार से जोड़ भी देंगे दोस्तों, इसको तार से जोड़ देंगे हम, तब की स्थिति है, जोड़ देंगे तो क्या होगा, कापर सल्फेट वाले कापर आयन कापर की छड़ से इस प्रकार से टकराएंगे चारों तरफ से। ये क्यों टकरा रहे, तार द्वारा इलेक्ट्रॉन आ गए और उन इलेक्ट्रॉनों को कापर की आयन ग्रहण कर लेंगे, तो ग्रहण करके क्या करें, ये आया है कापर सल्फेट के बिलियन से और ये कहां जमा हो गया है, छड़ पर जमा हो गया है, मतलब कौन सी क्रिया हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या हो गया, ऑक्सीकरण। दो बातें हैं, छड़ से परमाणु निकल रहे बिलियन में जा रहे हैं, अर्थात एनोड, एनोड कैसे देख लिया, ऑक्सीकरण क्रिया हमेशा एनोड पर होती है, अपचयन क्रिया हमेशा कैथोड पर होती है, तो ये कैथोड बन गया, ये एनोड बन गया। लेकिन आगे की बात, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किसमें है, जिंक में, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कापर में है, जिंक के सामने। सीधी बात यह है हमारी, आपसे यह कहना है कि इस प्रवृत्ति को, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, लेकिन एनोड पर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन, इसलिए उसको अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, इसको ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। बहुत बातें हैं जो समझने की है इसमें, और इसमें कंफ्यूजन बना रहता है बच्चों को, लेकिन हम पूरी चीज क्लियर करके जाएंगे इस वीडियो के अंदर, आप कंटिन्यू देखते रहिए। जब किसी छड़ को धातु लवण में डुबाते हैं तो छड़ ऋणात्मक बिलियन धनात्मक, यहां उल्टा होगा भाई, यहां बिलियन ऋणात्मक और छड़ धनात्मक, ऋणात्मक बिलियन कैसे हो गया, मैं बता देता हूं, सल्फेट आयन बढ़ गए, क्यों बढ़ गए, कापर आयन घट गए, क्यों घट गए, कापर पे जमा हो गए, अपचयन हुआ ना, छड़ पे जमा हो गए, तो यहां पर अपचयन हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए कापर के सल्फेट के आयनों ने, कापर आयनों ने, तो अपचय ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है। लेकिन दोस्तों हम ये जानते हैं, स्टूडेंट्स ये जानते हैं हम कि कब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, कब ग्रहण किया जाएगा, ये बात भी हम आपको बताएंगे, इस बात का आंसर भी हम आपको वीडियो के लास्ट में देने वाले हैं, लगातार देखते रहिए। अब इसमें ई से दर्शाया हमने, इलेक्ट्रोडों को ई से दर्शाया, ये भी ई का मान है, ये भी ई का मान है, यहां पे हम देख सकते हैं कि इसका जिंक का अपचयन विभव ये है, ऑक्सीकरण विभव 7.6 वोल्ट है और कापर का है 3.4 वोल्ट। अब ये जो मान है एक्चुअली ये तो टेबल से देख के बताया जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू हम वोल्ट मीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, बीच में हम वोल्ट मीटर लगा के इसकी गणना कर सकते हैं। लेकिन बात यहां दूसरी करना है मैं आपके साथ, इसको हम ई से दर्शा दिए, इसको भी हम ई से दर्शा दिए। अब दोस्तों होता क्या है, पहले इसमें क्या था, ऑक्सीकरण में पहले था जिंक, इसलिए हम जिंक लिख दिया, बाद में क्या था, जिंक प्लस ई, जिंक परमाणु ओब्लिक जिंक आयन। यहां देखिए आप, यहां पहले क्या था इस क्रिया में, अपचयन में कापर धनायन ओब्लिक कापर, लिखने का तरीका बहुत जरूरी है, अनिवार्य है आपको सीखना, पहले धातु फिर आयन, पहले आयन फिर धातु, इसको कहते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, इसको कहते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। किसी इलेक्ट्रोड द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन त्यागने की, अपने लवण विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव कहलाती है, और अपने लवण विलयन में
कैथोड पर जमा होने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रोड पर जमा होने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपचयन इलेक्ट्रोड कहलाती है। ये दो बातें बहुत जरूरी हैं। ये बॉडी पहले आएगी धातु और बाद में आएगा धातु का आयन। यहां पे क्या आएगा, पहले आएगा आयन और फिर आएगी धातु। देखिए ये दो बातें यहां पे हैं। इसमें एक और हम आपको क्लियर कर दें, इनकी जो मान रहते हैं एक्चुअली इनकी क्रियाशीलता है, सीनियरिटी। एक विद्युत रासायनिक श्रेणी का वीडियो भी आगे हम देंगे, उसमें जो धातु दी गई धातु से ऊपर होती है वो एनोड का काम करती है और जो नीचे होती है वो कैथोड का काम करती है। क्योंकि एनोड को इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, ऊपर वाले देते हैं, बड़े लोग दान देते हैं, तो ऊपर वाली धातु इलेक्ट्रॉन दान देती है, नीचे वाले ग्रहण करते हैं। कापर ग्रहण कर रहा है, कापर जूनियर गरीब है और जिंक धनी है, किसका, इलेक्ट्रॉनों का। तो ऐसी बात है। यहां पे एक और बात हम आपको बहुत बहुत जरूरी बताने वाले हैं और इसको बड़े ध्यान से देखिए आप। कौन सी क्रिया हुई, ऑक्सीकरण। इसका जो मान है ये है +76 वोल्ट। इसकी उल्टी क्रिया लिख रहे हैं हम, ये हमने उल्टी क्रिया लिख दी। क्या समझ में आया आपको, यहां पे लगा है माइनस का चिन्ह, यहां पे लगा है प्लस का चिन्ह। दोस्तों इस माइनस प्लस में ही बच्चे फंस जाते हैं और उसको हम क्लियर करें। ये कौन सी क्रिया है, दूसरी वाली, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीकरण निकलना है। इस ऑक्सीकरण का जो वैल्यू है वही की वही वैल्यू है, वोल्ट में ही। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, एक का मान धन है एक का मान ऋण है। किसी एक धातु का चाहे अपचयन विभव ले लो चाहे ऑक्सीकरण विभव, उसके संख्यात्मक मान बिल्कुल बराबर होते हैं, चिन्ह अलग अलग रहता है। और ये चिन्ह कैसे डिसाइड करेंगे इसको हम बता रहे हैं। दोस्तों होता ये है एक्चुअली, दो मिनट, यहां पे साम्यवस्था रहती है हमेशा, धातु आयन, आयन धातु, छड़ और बिलियन, बिलियन और छड़, इनके बीच धातु और धातु आयन के बीच साम्यवस्था रहती है। इस साम्यवस्था के कारण आवेश का पृथक्करण होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। दर्शाने का तरीका समझ में आ गया। अब होता यह है कि जो ऑक्सीकरण विभव है वो आईयूपीएसी ने कम कर दिया या खत्म कर दिया, केवल अपचयन विभव लिया जाता है, उसी के आधार पर चिन्ह लगाए जाते हैं। तो एक धातु का जो ऑक्सीकरण विभव होगा और जो अपचयन विभव होगा उसके मान हमेशा विपरीत होंगे। ये जिंक का उदाहरण लिया मैंने। इसमें एक बात और है, यदि हम 25 डिग्री ताप लें, एक वायुमंडलीय दाब लें और एक मोलर का बिलियन, लवण बिलियन, तीन कंडीशन, तो हमारा जो ई है ना उसमें नॉट लग जाएगा, ई जीरो, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड क्या हो गया, मानक, 25 298 केल्विन या 25 डिग्री, 180 एम या 76 सेंटीमीटर और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सेल का विभव क्या है, ये तो इलेक्ट्रोड की बात हो गई। सेल का विभव क्या कहलाता है, सेल का विभवांतर होता है कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। अब इसमें एक बात और कर ले, ये हमने सेल बना दिया, हमारे डेनियल सेल का वीडियो भी है, उसको हम लिंक दे देंगे, देख लीजिए आप। यहां विभव मापी लगा दी हमने, धारा मापी लगा दी, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन जिंक वाले ही आएंगे कापर पे, अलग से नहीं करेंगे, जब तक आप चैन नहीं होगा, जब तक आप जोड़ेंगे प्लग को, कुंजी चालू करना है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है दोस्तों, जिंक से कापर, एनोड से कैथोड, लेकिन धारा की दिशा क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा उल्टी होती है। किसकी उल्टी होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा की। धारा कहां से कहां बहती है, धारा हमेशा कैथोड से एनोड। कैसे याद रखना है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, एनोड पर।
अरे बात सीधी है यार, ऊंचाई पे पानी रहेगा तो गहराई तरफ बहेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा है जहां बन रहे हैं, बन कहाँ रहे, यहां निकल रहे, निकल कहाँ रहे, एनोड पर। तो एनोड से बहेंगे इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर, और इलेक्ट्रॉन की दिशा धारा की दिशा विद्युत धारा की विपरीत होती है दोस्तों, बिल्कुल। इसलिए धारा कहां से कहां बहेगी, कापर से जिंक की ओर। तो फिर विभव कहां ज्यादा होता है, ऊंचाई कहां ज्यादा होती है, विभव होता है कैथोड पर ज्यादा हमेशा। ध्यान रखिए आप, बिल्कुल पक्की गांठ बांध लो आप 100% की बात, कैथोड पर विभव ज्यादा, एनोड पर विभव कम। तो क्या करेंगे अपन, कैथोड के विभव में से एनोड का विभव घटा देंगे, ई जीरो सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई। अब दो बातें हैं, विभवांतर और विद्युत वाहक बल। धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको विभवांतर कहेंगे, धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। इतना फर्क रहता है, ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वह बल जो धारा को कैथोड से एनोड की ओर ले जाता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कोई सेल विद्युत रासायनिक सेल का ई धनात्मक होता है तो वो सेल काम करता है, धनात्मक नहीं होता तो काम नहीं करता। कई बातें हैं, वीडियो लगातार देना पड़ेगा, निंसर्ट समीकरण है और बहुत सारी चीजें हैं। अभी अपन एक छोटे से यहां पर दो सवाल न्यूमेरिकल करने वाले हैं। एक सेल ई जीरो कापर का, ई जीरो सिल्वर का, इसका ई एम एफ निकालना है विद्युत वाहक बल। सबसे बड़ी कहानी तो ये होती है यहां पे कि इनके मान, इनके दोनों के धनात्मक हो सकते हैं, दोनों के ऋणात्मक हो सकते हैं, एक का धनात्मक एक का ऋणात्मक हो सकता है। आपको क्या देखना है, आपको कम और ज्यादा देखना है। चलते हैं, प्लस में 0.3 वोल्ट 0.80 वोल्ट, कौन ज्यादा है, सिल्वर का अधिक है और कापर का कम है, मतलब कौन बनेगा एनोड। अभी देख लो कैथोड कौन बनेगा, अधिक वाला कैथोड और कम वाला एनोड। तो अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना आपको, ई जीरो सेल बराबर सेल का विभवांतर बराबर कैथोड का विभव। कैथोड कौन है यहां पे, कैथोड जो ज्यादा है सिल्वर ऑब्लिक सिल्वर माइनस ई जीरो कापर ऑब्लिक कापर। एक और इसमें दोस्तों हम बात बता दें, धातु के आवेश से कोई फर्क नहीं पड़ता विभव पे, इसमें दो प्लस इस पे एक प्लस, यहां इसकी बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही, निंसर्ट समीकरण में करेंगे अपन। ये देखिए इसका कितना विभव है, 0.8 माइनस 0.34 वोल्ट, इसको आप घटा दीजिए, यहां 10 में से 4 जाएंगे 6, यहां पे 7 में से 3 जाएंगे, तो यहां पे कितने 4, 6 वोल्ट ये आ गया आंसर आपका। और प्लस में आया, यदि प्लस में आएगा तो ही सही है अपना सेल कैथोड का विभव माइनस है। अब दूसरा एक न्यूमेरिकल इसी पर, एक सेल में जिंक का विभव दिया है और कापर का दिया है, जिंक का माइनस में है कापर का प्लस में है, आप बताएंगे हमें, आप अपने कमेंट्स में भी बताइए, आप दे सकते हैं कम किसका ज्यादा किसका, ऋणात्मक राशि कम होती है धनात्मक राशि अधिक होती है। जब भी माइनस प्लस आए तो आप ये बात गांठ बांध लें, ऋणात्मक राशि कम तो हम क्या कहेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को, बिल्कुल सरल, ई कैथोड ई सेल बराबर कैथोड कौन बनाए, कैथोड अधिक वाला होता है, अधिक कौन सा कापर, यहां पे कापर 2+ माइनस यहां पर जिंक, तो कापर का कितना है 0.34 वोल्ट माइनस, एक माइनस सूत्र का भी लगेगा यहां और एक माइनस वैल्यू में भी लगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, यहां कितना हो जाएगा 0 और यहां 3, 7, 10 1.10 वोल्ट, इसको प्लस कर लीजिए 3, 4 और 7, 6 को, कितना हो रहा 0 कैरी आई 1, 11, बिल्कुल सही 1.1 वोल्ट आ गया जी आंसर आपका आ गया। तो कितनी बातें क्लियर हुई, धातु की छड़ को लवण में डुबाने पर धातु के परमाणु और धातु आयन
धातु की आयन या धातु परमाणु की साम्यवस्था होती है, जिससे क्षण और बिलियन में विपरीत आवेश आता है और साम्यवस्था के कारण उस पर विभव आता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड एनोड पर आता है, अपचयन इलेक्ट्रोड कैथोड पे आता है। मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक धातु का अपचयन ऑक्सीकरण विभव मान हमेशा समान होता है, चिन्ह का अंतर रहता है। किसी भी धातु का ले लो आप, चिन्ह का फर्क रहेगा, लेकिन IUPAC के अनुसार ऑक्सीकरण विभव को हटा दिया गया है, एक प्रकार से यूज नहीं होता है। कौन यूज होता है? हमेशा अपचयन विभव। देखो मैंने सब अपचयन में लिए, इसका प्रतीक नहीं भूलना, पहचान, पहले धातु बाद में आयन, कौन सा विभव? ऑक्सीकरण विभव है। अरे इसी से लिया भैया, पहले धातु फिर आयन, अपचयन पहले आयन फिर धातु, इसी को यूज होता है। अपचयन विभव का ही प्रयोग हमेशा होता है दोस्तों। तो पूरा सवाल, पूरी थ्योरी विद्युत रसायन की क्लियर कर लीजिए। आगे हम लेंसर्ट समीकरण और तमाम चीजों के सवाल कराते रहेंगे। वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सभी प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पे, और जल्दी से सभी को बता दीजिए राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस। यदि आप नए हैं तो हमसे जुड़े, सब्सक्राइब करें राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लास को। लगातार केमिस्ट्री का नॉलेज हम आपको देते रहेंगे, 9th 10th की विज्ञान और 11th 12th की केमिस्ट्री। थैंक यू।